गुड इवनिंग गाइस, मैं आपको आज मैं एक नई वीडियो बनाने जा रही हूँ जो है बेर का अचार। ये बहुत ही एक चटपटी एक खट्टी मीठी अचार है। ये सबको पसंद आती है, बच्चे बड़े सबको इसको बड़े चाव से खाते हैं। आइए मैं आपको ये वीडियो शेयर करके दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, 1 kg लाल बेर है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के रखी हुई थी रखी है। इसको धो के रख के उसके बाद थोड़ी सी इसको सुखा के मैंने इसमें अब रखी हुई है। अब मैं इसका अचार बनाऊंगी। और ये है गुड़, 1 kg ये भी गुड़ है। और ये है मसाला, में ये साबुत धनिया है, ये काली नमक है, ये लाल मिर्च है, ये सौंफ है, ये जीरा है और ये पंचफोरन है। ये सब जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसको मैंने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद इसको जो इस तरह से मैंने इसको दरदरा करके कूट के रखी हुई है। आइए मैं अब आपको ये बेर के अचार बना के दिखाने जा रही हूँ। में कढ़ाई बिठाने के बाद इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल दे दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा तेल गर्म हो जाएगा, उसमें ये लाल मिर्च दे दीजिएगा। लाल मिर्च ये थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें बेर को डाल दूंगी। डालने के बाद इसको मैं हल्की सी फ्राई कर लूंगी। और इसमें थोड़ा सा नमक, काली नमक इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा। इसको जो मैंने नहीं बताया था, सॉरी, इसमें सरसों का तेल दे के इसको हल्की सी फ्राई कर लीजिएगा। बहुत ही एक अच्छी चटपटी रेसिपी है, सबको पसंद आएगी। देखिए ये फ्राई हो चुकी है हल्की सी। और बेर को करने के बाद थोड़ा सा इस तरह से फोड़ लीजिएगा को थोड़ा सा। इसमें अच्छी तरह से नमक, गुड़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और खाने में बहुत टेस्टी होगा। अब मैं इसको उतार दूंगी। अब इसमें 1 कप पानी, 1 कप पानी दीजिएगा देने के बाद इसमें गुड़ को मिक्स कर दीजिएगा। ये अच्छी तरह से पानी में घुल जाना चाहिए और इसको बीच बीच में थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से हिलाते रहिए। अच्छी तरह से गुड़ पक चुकी है। अब इसमें बेर को मैं डाल दूंगी। उसके बाद इसको अच्छी तरह से
मिक्स कर लूँगी। इसको तब तक पकाऊंगी जब तक ये थोड़ी सी इसके साथ मतलब गुड़ के मतलब बेर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए, गुड़ अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स हो जाएगी। इसके बाद मैं इसको उतारूंगी। ये मेरी बेर के अचार लगभग अब बन के तैयार हैं। अब मैं उतारने से पहले इसमें भुनी हुई जो मसाला मैंने दरदरा करके पीस के रखी हुई थी इसको मैं डालूंगी। डाल लेने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और ये देखिए मेरी ये बेर के अचार अब बन के तैयार है। अब ये ठंडी हो जाएगी, इसके बाद में इसको एक बोल में रख दूंगी। आप इसको बहुत दिन तक रखना चाहते हैं तो इसको इसमें थोड़ा एक चम्मच विनेगर डाल दीजिएगा। डालने से ये बेर के अचार बहुत दिन तक अच्छी रहेगी और इसको आप रख के खा सकती हैं। गाइस देखिए मेरी ये बेर की अचार अब बन के तैयार है। आई होप मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।